हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं आ चुका हूँ छत पर और शाम का वक्त हो रहा है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और अपने जो है कुछ कबूतर खुले हुए हैं जो आपको पता है जोड़े वाले हमारे जो खुले रहते हैं। तो आज हमारे छत पे एक नया मेहमान और बैठा हुआ है, जंगली कबूतर का बिल्कुल छोटा सा बच्चा गाइस, ठीक है। तो अभी जो है इसे परेशान नहीं करेंगे, पहले कबूतर खोलेंगे उसके बाद में गाइस जो है मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ वाले कबूतर खोलता हूँ, कभी चटक के उड़ जाए भाई, बहुत छोटा बच्चा है। देखो भूखा हुआ, भूखा बैठा है, ये पर वगैरह गाइस इसके लटक चुके हैं। तो गाइस मैं इस पर डायरेक्ट भी हाथ मार सकता हूँ, लेकिन मैं कबूतर के साथ पकड़ूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पास से दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। चटक भाई बच्चे में बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल पास से इसकी वीडियो बना रहा हूँ। अब जाके थोड़ा घबराया है, ठीक है गाइस। तो अभी जो है इसे पकड़ेंगे हम, जाल में ले जाके कोशिश करेंगे पकड़ने की, या फिर अगर ऐसे आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी मैंने अपने यहाँ वाले कबूतर खोले हैं, जाल वाले कबूतरों की बारी, उन्हें भी निकाल लेता हूँ मैं गाइस, ठीक है। तो अभी जो है दोस्तों माशाल्लाह अपने सारे के सारे कबूतर बाहर आ चुके हैं, जो कि आपके दिख रहे होंगे माशाल्लाह गुटकते हुए इधर उधर। और साथ में ये बच्चा मैंने भाई पकड़ लिया, देखो आप सब शौक कर लो, काफ़ी छोटा बच्चा, उसके पर वगैरह आपको दिख रहे होंगे, देखो मैंने छोड़ दिया एक पर। तो काफ़ी छोटा गाइस ये बच्चा है, काफ़ी प्यारा भी है, छोटा सा बिल्कुल भाई, इसके अभी तक तो भाई रुआ भी नहीं गया है, ठीक है। काफ़ी छोटा बच्चा गाइस अपने आप ही छत पर मिला और तुम्हारे भाई ने पकड़ लिया, ठीक है। तो अभी जो है फाइनली मैं इसे जाल में डालने वाला हूँ। और जो दूसरा वाला बच्चा है देखो गाइस जो बैठा हुआ, वो ठीक है, वो बैठा हुआ गाइस, ये बैठा हुआ, तो इसे भी जाल में बिठा देते हैं, ठीक है गाइस। ये देखो सामने बिठा दिया, काफ़ी छोटा बच्चा और भाई भूखा आए अभी। बाकी ये तो अपना भाई जाल में ऊपर नीचे उड़ने लगा है, ठीक है गाइस। बाकी ये वाला भी मैंने जाल में छोड़ दिया है, तो इन्हें अभी जाल में रहने देते हैं। बाकी कबूतरों को पहले मैं दाना डाल देता हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आज इन्हों को मैंने दाना नहीं डाला, वही बताऊँगा आज इन्हें दाना क्यों नहीं डाल पाया मैं। तो सबसे पहले दाना डालता हूँ गाइस मैं। तो फाइनली जो है गाइस मैंने अपना माशाल्लाह दाना डाल दिया है इन्हें, ठीक है, ये देख सकते हो आप सब, मैंने जो है इन्हें दाना डाल दिया है। और अपना माशाल्लाह सारे कबूतर अपने दाना खा रहे हैं एकदम मस्त, ठीक है। और इनके साथ साथ भाई अपने मुर्गी का बच्चा भी दाना खा रहा है। और गाइस जो मैंने जंगली कबूतर का बच्चा पकड़ा है वो भाई मैंने जाल में डाल दिया। और जैसा कि आप सबको पता ही है, मैंने पहले भी एक जंगली कबूतर का बच्चा पकड़ा था, जो कि मैं आप सब भाइयों से पूछा था कि भाई इस बच्चे का क्या करना है। तो मेरे पास भाई कमेंट आए भाई के, भाई इसे अपने पास रख लो, प्लीज़ अपने पास रख लो। तो गाइस अभी तक तो मैंने अपने पास ही रख रखा है, और ये जाल में अभी भी मैंने जैसा अभी तुम्हें दिखाया था वो रहा गाइस, देखो जाल में बैठा हुआ है, दूसरा वाला वो बैठा हुआ उधर की साइड, ठीक है। तो अब जो है ना दोस्तों हमारे इन कबूतरों में दो जंगली कबूतर के बच्चे भी आ चुके हैं, लेकिन अब भाई डाउट ये है क्या ये बड़े होकर भाग जाएंगे, मुझे तो पता नहीं भाई, मैंने आज से तो पहले कभी ऐसा करा नहीं है, बट पहली बार रखे हैं तो देखते हैं भाग जाएंगे रुकेंगे। और गाइस कबूतर भी आप सब भाइयों को कम कम लगे रहोगे, जो मेरे डेली व्लॉग देख रहे होंगे उन भाई को तो पता चल गया होगा कि कौन से कबूतर कम है, ठीक है। तो आप सब भाई बताना कि कौन से कबूतर इनमें कम है, वरना मैं तो बता ही दूंगा गाइस। तो जैसा कि मैंने कल एक व्लॉग डाला था जिसमें कि मैंने कहा था कि हमारे कुछ गोले कबूतर जो हैं हमें अलविदा कहने वाले हैं, तो वही कबूतर गाइस जो हमें अलविदा कहकर गए वो हमारे सारे गोले कबूतर हैं, आप सब देख सकते हो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं, ना जाल में ना भारे हैं, ठीक है। तो अब यही बचे हुए अपने भाई मद्रासी और पंजाबी कबूतर, कुछ माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं ये भी सारे के सारे। अब करना क्या है गाइस, मैं इन्हें भी कुछ दिनों में हटा दूंगा, ठीक है। तो जिसने भी भाई इन कबूतरों की पूरा व्लॉग नहीं देख रखा है, इनके मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने व्लॉग डाल रखा है इनका, अगर किसी भाई को मद्रासी पंजाबी चाहिए हो, अच्छी नस्ल के हैं भाई सारे के सारे माशाल्लाह, इनके बच्चे भी अच्छे उड़ते हैं मेरे यहाँ, ठीक है। तो अगर किसी को भी भाई चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर आप सब भाइयों को पता ही है, नहीं पता तो भाई मैंने ऐड कर रखा है वहाँ पर भी देख सकते हो, नहीं तो मैंने इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप सब नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी सारे कबूतर भाई हो आप सब भाइयों के सामने, ठीक है। आधे कबूतर भाई इसमें कैच हैं कुछ परंते माशाल्लाह। तो जिस भी भाई को मेरे चाहिए मद्रासी पंजाबी कबूतर, वो भी भाई जो है मुझसे भाई कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैं अपने सारे के सारे कबूतर हटा रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो कांटेक्ट कर सकता है, बाकी हैंड टेम बच्चे के लिए अगर आपको हैंड टेम बच्चे चाहिए हो तो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी माशाल्लाह से जो है सारे के सारे कबूतर अपने एकदम बिल्कुल मस्त जो है इधर घूम रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और अभी मैं आप सब भाई को दिखाने वाला हूँ जो अपना हमारा बच्चा निकला था काली दुआज का, वो कैसा बच्चा है देख लेते हैं गाइस एक बार। तो इधर नीचे वाली पेटी में है गाइस वो, तो वो बैठा हुआ, देखते हैं गाइस कैसा कलर लेकर आएगा ये। ये रहा गाइस छोटा सा है, मार रही है मां पर मार रही है ए, ये देखो गाइस शौक करो भाई, मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है ना भाई, ये लेकर आएगा भाई काला दुआज, काला दुआज रंग लेकर आएगा भाई ये मेरे हिसाब से तो, क्योंकि देखो इसके आगे की गली वाइट वाइट है और पीछे से ये काला सा निकल रहा है ना। बाकी आप सब भाई बताना कमेंट में कि कैसा वो बन सकता है, ठीक है गाइस। तो अभी से वापस यहीं रख देते हैं। और इधर भी भाई बच्चे अभी तक पता नहीं क्या हो गया, निकले नहीं यार, इसके अंडे भी मुझे चेक करने पड़ेंगे बाद में। माशाल्लाह इसके बच्चे भी हमारे काफ़ी खूबसूरत निकलते हैं। और ये वाला जो बच्चा है गाइस, ये मैं एक आध दिन में अलग कर लूँगा इन कबूतरों से हैंड टेम करने के लिए,
ठीक है, बताना आप सब भाई को कैसा लगा है बच्चा। और बाकी तो आप सबको बताइए, अपने सारे कबूतर एकदम मस्त अपने एकदम घूम रहे हैं, इधर से उधर गुटक रहे हैं। इसे देखो अपने जो ये हमारे वाला कबूतर है, वो माशाल्लाह कितना खुश है, देख रहे हो गाइस। जब कबूतर खुश होता है जब ऐसी हरकतें करता है। और गाइस आज तो मौसम भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो रहा है, देख सकते हो बिल्कुल काली घटा हुई पड़ी है बारिश के लिए, बिल्कुल काली घटा। और सामने की साइड गाइस देखो चीले कितनी सारी उड़ रही हैं, देखो ये देखो कितनी सारी भाई चील वगैरह उड़ रही हैं। तो अब आप सब भाई कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि किसी भाई को अगर गोले कबूतर चाहिए, गोले कह रहा हूँ सॉरी भाई, पंजाब मद्रासी कबूतर चाहिए होंगे, गोले कबूतर तो अपने जा चुके हैं, और किस किस भाई को गोले कबूतर जाने का दुख है मेरी तरह, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, ठीक है। और बाकी माशाल्लाह अपने सारे कबूतर एकदम मस्त हैं। और अभी मैं आप सबको एक कबूतर दिखाने वाला हूँ गाइस, देखो कहाँ है अभी देखता हूँ गाइस, अभी दिखाता हूँ रुको। तो गाइस ये देखो ये है वो जो मैं आपको दिखाने की बोल रहा था गाइस, तो जो मेरा भाई अपने आपको भाई कबूतरबाज बताते हैं ना कि भाई हम कबूतरबाज हैं, हम आके देख के नस्ल बता देते हैं, तो गाइस इसकी नस्ल मुझे बताओ ठीक है। तो दोस्तों इसकी नस्ल मुझे भाई कमेंट में बताओ, इसका कलर देखो मादिन का ठीक है, काफ़ी प्यारे कलर में मादिन है मद्रासन इसका, भाई मुझे बताओ जो भी भाई कहते हैं ना कि हम नस्ल देख के बता देते हैं, इस मादिन की ज़रूर बताना भाई मुझे नस्ल ठीक है, कमेंट में किस नस्ल की मादिन है। बाकी अभी अपने कुछ ही कबूतर बचे हैं तो ये भी भाई मैं सेल कर दूँगा, तो जिसको भी चाहिए हो भाई वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।